सरपंची। माफ करना सिद्ध, उषा को नाश्ता दे रही थी। अच्छा बोलो क्या बात है? सरपंच जी एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। वो जो दो चार जरूरी बातें हमें भी बता दो मियां सिद्ध। अबे मुंशी, तेरे मेरे जैसे फालतू लोगों को जरूरी बातें नहीं बताई जाती, समझा? क्यों सर, रहते गाँव आजकल शहरी बाबू, दिखते नहीं? गाँव की हवा पानी बहुत बढ़िया है ना मुंशी जी, खासकर खेत खलियानों की, तो वहीं निकल जाता हूँ। ओ सब तो ठीक है शहरी बाबू, लेकिन देखना इस हवा पानी के चक्कर में तुम्हारा अपना हाजमा खराब ना हो जाए। वैसे मुंशी, ये छोरा है बड़ा काक। ये जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे भी है। नीचे ज्यादा है मंगत भाई, ज्यादा। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं चलूं। पंचायत घर में 10 मिनट में मीटिंग है मेरी। अरे भाई मुंशी, ज्यादा देर यहां खड़ा रहा ना तो चालान कट जाएगा तेरा। अब चल भाई। अरे चलना। सुना बहन जी, बैलगाड़ी में हुआ बच्चा? हाँ, नर्स बहन जी तो मिली नहीं, इसलिए हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल गए। गीता के दर्द जो शुरू हो गए थे वो तो भगवान जी की कृपा थी। यहाँ हम रास्ते में थे और वहाँ नर्स बहन जी साइकिल से पहुँच गई। साइकिल से? हाँ, पर डिलीवरी के बाद हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकल गए, मगर शुरू शुरू में वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई। गीता के ठीक से दूध ही नहीं उतर रहा था, मगर धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया। अब जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है और बच्चे को ठीक से दूध भी मिल रहा है। हाँ बहन जी, अगर ऐसे में बच्चों को माँ का दूध मिल जाए तो समझो सारी परेशानी टल गई। और ये मत भूलो कि माँ के शरीर से निकलने वाला पहला दूध बच्चे के लिए जीवन रक्षक होता है। सही कह रही है सरोज, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये उसे बीमारियों से बचाता है। पर बहन जी, इन दिनों शहर में एक बढ़िया चीज निकली है। मेरा मौसेरा भाई आया है शहर से, उधर डिब्बे में मिलती है बच्चे की खुराक। बस 2 चम्मच गर्म पानी में मिलाओ और खिला दो बच्चे को। उसका अपना छोरा भी अभी 6-7 महीने का ही है, मेरी भाभी उसे वही देती है। और ये देखो, मैंने तो रवि के बापू से कहकर मंगवा भी ली है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, सारे झंझटों से छुट्टी। मैं भी कलिया के बापू से कहकर ये मंगवा लेती हूँ। गौरी, ये तू क्या कह रही है? तुझे क्या जरूरत है अपने कलिया को ये पिलाने की? तुझे पता है माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और ये बच्चे को बीमारियों से बचाता है। इससे उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है और बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह से होता है। पर बहन जी, अगर अपना दूध पिलाने में परेशानी हो तो फिर क्या बोतल का दूध? सरला, बोतल से दूध पिलाने से भी बच्चे के बीमार होने का खतरा बना रहता है। अब देख, बोतल के निप्पल को साफ करना मुश्किल होता है और अगर इसे ठीक से साफ ना किया जाए तो बच्चा बीमार हो सकता है। ला ये बोतल इधर दे। इस बोतल को अगर ठीक से साफ ना किया जाए तो इसमें जगह जगह कीटाणु घर बना लेते हैं। देखो ये ढक्कन में और ये निप्पल के अंदर वाली जगह पर, धोने के बावजूद भी यहाँ पर दूध और पाउडर रह जाता है। और पाउडर को मिलाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है, वो साफ है या नहीं, उबाला है या नहीं, नल का है, कुएं का है या मटके का है, इन सब बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि पहुंच गए कीटाणु, बच्चे ने दूध पिया और हो गया बीमार। तो फिर क्या करना चाहिए बहन जी? देख सरला, अगर अपना दूध पिलाने में दिक्कत हो तो अपना दूध कटोरी में निकालकर चम्मच से बच्चे को पिलाना चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि चम्मच और कटोरी एकदम साफ। ठीक है बहन जी। अरे
अब चल भी, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ हाँ, मेरी सास ने तो अब तक मोहल्ला इकट्ठा कर लिया होगा। अच्छा बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। कमला, तूने सुना, नर्स बहन जी वापस उप स्वास्थ्य केंद्र में आ गई है रहने के लिए। हाँ शब्द। और क्या बात है? कुछ दिन पहले इमरान मुझे कुछ बता रहे थे। क्या? नर्स बहन जी और मास्टर जी के बारे में। अगर तू कहती है कमला तो मैं तुझे बताती हूँ, वरना। बोल भी शब्बो। इमरान बता रहे थे कि मास्टर जी ने नर्स बहन जी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और नर्स बहन जी ने कहा कि उनमें और मास्टर जी में जमीन आसमान का फर्क है, और वो उनसे प्यार की बात सोच भी नहीं सकती। अरे ये क्या बात हुई, नर्स बहन जी ऐसा कह ही नहीं सकती। मैंने भी इमरान से यही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो भी कह रहे हैं वो एक एक लफ्ज सही है, और इमरान ने ये भी कहा कि ये बदलाव नर्स बहन जी में बड़े घर जाने के बाद आया है। शंभू सच सच बता, क्या तू इस बात पर यकीन करती है? तू तो बहन जी को मुझसे भी अच्छी तरह से जानती है, वो चाहे बड़े घर में रहे या उप स्वास्थ्य केंद्र में, वो ऐसा कभी कह ही नहीं सकती। कमला मुझे भी यही लगता है, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि नर्स बहन जी ने ऐसा किया क्यों। मैं समझ गई शंभू, नर्स बहन जी ने ऐसा क्यों किया होगा। क्यों? मेरे लिए शंभू, बहन जी ने ये सब मेरे लिए किया होगा। इस तरह का धंधा इस इलाके में चल रहा है, इसकी भनक है पुलिस को, लेकिन कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे चलता है ये सब, इस बारे में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि सिद्धांत की मदद से आप इस गिरोह को पकड़ने में जरूर कामयाब होंगे। नमस्ते सरपंच जी। अरे सिद्धांत, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये हैं राजपुरा थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर अभय, और इंस्पेक्टर साहब ये हैं शहर के जाने माने दैनिक अखबार नई आवाज के पत्रकार सिद्धांत। हेलो सर। हेलो। सरपंच जी ने तो आपको बताया ही होगा, राजपुरा और इसके आसपास कुछ लोग प्रसव पूर्व लिंग जांच का धंधा चला रहे हैं। एक्चुअली इन अवैध धंधा करने वालों का हम पीछा कर रहे हैं, अपने कुछ साथियों की मदद से हमने कुछ सबूत इकट्ठा किए। मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ, आइए चलिए। तुम? मुंशी जी ने भेजा था वो प्रसव पूर्व जांच। अच्छा भैया, मुंशी जी कहाँ है? भैया मुंशी जी तो किसी काम में फंस गए हैं, पर तुम लोग घबराओ मत, हम है ना, मुंशी जी से सारी बातें हो गई है। भाई साहब, यहाँ और भी औरतें आती होंगी ना गर्भ की जांच करवाने। जी। क्या क्या कहा? जी हाँ, यहाँ बहुत सारी औरतें आती है गर्भ की जांच करवाने के लिए। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जाके। हमारे पास ये आधुनिक मशीनें हैं, हम इनसे सब पता लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जांच गैर कानूनी है और पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना भी हो सकता है, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम बहुत दिनों से ये जांच कर रहे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। पिछले 15 सालों से मैं ये जांच कर रहा हूँ, और अगर लड़की नहीं चाहिए तो सफाई भी करवा सकते हो।
यानी सब कुछ खत्म। और अब जल्दी बताओ, जांच करवानी है नहीं? बहुत बढ़िया काम किया है आप लोगों ने। इस सबूत के बिना पर हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये लोग पकड़े जाएंगे ना? जी हाँ सरपंच जी, पकड़े भी जाएंगे और इन्हें इनके इस घिनौने अपराध की सजा भी मिलेगी। मास्टर जी, लेकिन खबर देने वाले ने किसी का नाम वाम बताया क्या? बस इतना ही बताया कि कोई पति पत्नी थे गांव राजपुरा के। इस कसौपुर लिंग जांच के रैकेट में कोई मुंशी नाम का आदमी भी शामिल था। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।